कि जिसको देखकर और मन में कोई विरोधी विचार आता है तो समझ लेना चाहिए कि कोई यह हमारे पूर्व जन्म में शत्रु रहा है, और जिसे देखकर मन में प्रियता का भाव हर्ष आए तो समझ लेना चाहिए कि पूर्व जन्म में हमारा कोई यह मित्र रहा है। हम मनुष्य के व्यवहार की व्याख्या केवल वर्तमान के आधार पर नहीं कर सकते, व्यवहार के पीछे क्या है उसे देखे बिना व्यवहार की व्याख्या नहीं हो सकती। कर्म का बीज क्या है? राग और द्वेष, बस वह हमारे भीतर है। हम व्यक्ति को न देखें, अगर उसके प्रति शत्रु का भाव आए, देखे हमारे भीतर द्वेष विद्यमान है, और किसी व्यक्ति को देखा प्रियता का भाव आया तो हम देखे हमारे भीतर राग विद्यमान है। राग है इसलिए रागी के साथ राग का संबंध जुड़ता है, द्वेष विद्यमान है इसलिए द्वेषी के साथ द्वेष का संबंध जुड़ता है। हम राग और द्वेष को देखने का प्रयत्न करें।